चंबू बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच प्रदर्शन का आज सातवां दिन है और देखिए लगातार जो लोग हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं और अपने तरीके से जो है वो अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रहे हैं। देखिए ये किसान संघर्ष मजदूर कमेटी का ये जत्था अमृतसर से आया हुआ है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर जो है वो नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और सैकड़ों की संख्या में ये जत्था जो है वो यहाँ पर अमृतसर से आया हुआ है। हालांकि कल जो है चौथे दौर की वार्ता में सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ मंत्री थे उनकी तरफ से प्रस्ताव जो है वो दिया गया है किसान संगठनों को कि जो पांच फसलें हैं अरहर उड़द और की दाल और इसके अलावा मक्का और कपास पर भी जो है वो पांच साल का सहकारी जो संस्था है उनकी तरफ से जो एमएसपी है वो दी जाएगी। लेकिन अब ये किसान संगठनों को तय करना है कि वो इस प्रस्ताव को जो है वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। कुछ और लोगों से हम अंदर बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? कामरा पीछे छोड़ गया पीछे से करो यारी करो सरदार जी। तीन प्रस्ताव दिए गए हैं सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया। 21 तरीक नु गांव जाने का लान है। सरकार अभी कल की वेट भी तरीकी कर रही है। हाँ जी तीन तीन ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जत्था जो कि अमृतसर से आया हुआ है और आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो कर रहा है। शंभू बॉर्डर पर जाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है किसान संगठनों की तरफ से और तकरीबन जो है वो आज सातवां दिन है। 13 फरवरी से ये जो प्रदर्शन है इसकी शुरुआत हुई थी और दिन ब दिन जो है वो और समर्थन इस प्रदर्शन में जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, शंभू बॉर्डर, पटियाला।